जी हाँ, शुक्रवार 10 जून को जो हिंसा हुई, अब हिंसा करने के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो आरोपी हैं, वो एक एक कर धरे जा रहे हैं। 300 से ज्यादा, सुबह 8 बजे तक की जो डिटेल हमारे पास आई है यूपी से, 300 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। ये ताजा अपडेट है और भी कई नई जानकारियां हमारे पास आ रही हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मेरी सहयोगी सुरभि भी इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं। देश के 12 राज्यों में हिंसा और पत्थरबाजी की जिस तरह की घटना हुई, उसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही। सबसे ज्यादा उपद्रव यूपी, बंगाल और झारखंड की राजधानी रांची में हुआ। किस राज्य में क्या हो रहा है, आपको एक एक खबर तफसील से दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको 5 तस्वीरों के जरिए ताजा हालात बताते हैं। ताजा हालात क्या है? प्रयागराज में चलेगा बुलडोजर। जी हां, यहां पर जिस शख्स को मास्टरमाइंड बता रही है पुलिस, जो हिंसा का मुख्य आरोपी है, पता यह चला है कि इसका घर जो है ये बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था और अब यहां पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें ये एक सख्त कदम प्रयागराज में सामने आया है। वहीं यूपी में जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह 8 बजे तक पुलिस सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 304 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी बड़े पैमाने पर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ेंगे नहीं और बेकसूर लोगों को छेड़ेंगे नहीं, यह कहा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश अफसरों को दे दिए गए हैं। बंगाल में हिंसा के बाद सियासत भी जोरों पर नजर आ रही है और बंगाल में आप देखिए 10 जून के बाद, यानी जुमे के दिन के बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद एक बार फिर हिंसा भड़काने की कोशिश हुई। आखिर ये बार बार लोग सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं, हिंसा पर क्यों आमादा है, समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 11 तारीख की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 तारीख को तो हावड़ा में बवाल हुआ ही, 11 तारीख को भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई। वहीं रांची में क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया था, क्योंकि व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही थी, लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, तो अब रांची में हालात थोड़े से सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, स्थितियां नियंत्रण में नजर आ रही हैं और इंटरनेट सेवा जो है वो बहाल कर दी गई है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त की ताजा अपडेट बताती हुई उन तमाम इलाकों की जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।